गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन टुडे। आज 12 नवंबर है और 12 नवंबर को आज क्या है, दिवाली तो आने वाली है, दिवाली से पहले क्या आता है, धनतेरस। तो सभी बच्चों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, अ ट्रैवलर्स टेल। इस लेसन में मार्को पोलो के बारे में हम पढ़ेंगे, जो पहला यूरोपियन था जिसने चाइना को विजिट किया था। उसकी जर्नी जो थी, उसकी यात्रा जो थी, उसने बहुत से एक्सप्लोरर्स को जो है इंस्पायरेशन प्रदान की थी। उसने अपने विचारों को जो उसने देखा था वहाँ पर चाइना के अंदर, एक बुक लिखी, द ट्रैवलर्स ऑफ मार्को पोलो, उसके अंदर लिखा। उसी के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। आई वॉज बॉर्न इन द ब्यूटिफुल इटालियन सिटी ऑफ वेनिस। मार्को पोलो कहता है कि मैं एक इटली की एक सुंदर सिटी वेनिस में पैदा हुआ था। वेनिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोस्पर एंड इन्फ्लुएंसिव पोर्ट्स इन द मेडिटेरियन इन द 13th सेंचुरी। 13वीं शताब्दी में वेनिस जो था वो बहुत प्रॉस्परस, मैंने समृद्ध और इन्फ्लुएंट, मैंने प्रभावशाली पोर्ट जो है माना जाता था मेडिटेरियन के अंदर। माई मदर डाइड वेन आई वॉज यंग बॉय, मेरी माँ मर गई जब मैं यंग बॉय था। एंड आई वॉज रेज्ड बाय माई आंट एंड अंकल, और मेरे को जो ऊपर उठाने में, रेज्ड मैंने ऊपर उठाने में मेरे अंकल और आंट का बहुत बड़ा हाथ है। दे ट्रेन मी एज ए मर्चेंट, उन्होंने मर्चेंट क्या होता है, व्यापारी के रूप में मुझे ट्रेनिंग दी। बिसाइड रीडिंग एंड राइटिंग एंड अर्थमेटिक, आई लर्न अबाउट यूजिंग फॉर्जन मनी, जजिंग प्रोडक्ट्स एंड हैंडलिंग कार्गो शिप्स। मैंने पढ़ने लिखने और अंगणित के साथ साथ विदेशी पैसे, जानकारी रुपये मुद्रा के बारे में और शिप्स के बारे में भी जानकारी हासिल की। आई लव एडवेंचर, अ ट्रेड दैट आई इनहेरिटेड फ्रॉम माई फादर। उसने कहा था कि मुझे जो है एडवेंचर से जो घटनाएं होती हैं, जो उनसे काफ़ी प्यार था, और मुझे अपने पिता से काफ़ी संपत्ति भी मिली थी, जैसे उत्तराधिकार होती है ना, वो निकोलो एंड माय अंकल मैफो, एक निकोलो से और एक अंकल मैफो से भी काफ़ी धन प्राप्त हुआ था। 1271 में एट दी एज 21, जब मैं 21 साल का हो गया, आई कंपेन्ड माई फादर एंड अंकल ऑन ए ग्रेट वॉयज इन द ईस्ट एट द इन्विटेशन ऑफ काबली खान। मैंने गया मेरे पिताजी और अंकल के साथ, वॉयज का मतलब होता है लंबी समुद्री यात्रा पर, काबली खान के आमंत्रण पर। वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम वेनिस, हमने जर्नी क्या होता है यात्रा, हमने वेनिस की यात्रा शुरू की बाय सी, समुद्र से सी, मैंने समुद्र के द्वारा, एंड ट्रेवल्ड बाय कैमल, और यात्रा की कैमल ऊँटों के द्वारा, क्रॉस द डेजर्ट एंड माउंटेन ऑफ एशिया, डेजर्ट और पर्वतों को पार करने में। इट लुक अस मोर 3 ईयर्स टू रीच काबली खान समर पैलेस इन चाइना, हमें लगभग 3 साल लग गए वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन आजकल तो हम 3 घंटे में ही पहुँच जाते हैं एरोप्लेन के द्वारा, मनुष्य ने कितनी प्रगति कर ली। वी आर ग्रेटेड वार्मली बाय द खान, ग्रेटेड मैंने सम्मान करना, हमें जो है खान के द्वारा बहुत अधिक सम्मान, स्वागत हुआ हमारा। काबली खान वाज़े मंगोल, वो मंगोल था, एंड लिव्ड इन द फियर ऑफ दैट चाइनीज वुड रिबल अगेंस्ट द फॉर्जन रूलर, चाइना कभी भी उस पर आक्रमण कर सकता है। टू प्रिवेंट द, बचने के लिए ऑर्डर्ड दैट एवरी इवनिंग एट द सनसेट अ ग्रेट, प्रिवेंट मैंने बचने के लिए ही, मैंने उसने ऑर्डर में ऑर्डर दे रखा था कि प्रत्येक शाम को एक सनसेट, सूर्यास्त के बाद, सनसेट क्या होता है, सूर्यास्त के बाद एक बड़ी बैल बजेगी, उसके बाद नो सिटीजन को लिव हिज होम, कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। बट दिस रिस्ट्रिक्शन नेवर बोदर्ड अस, लेकिन उसने हमें कभी तंग नहीं किया। वेन एवर वी वेंट, जब हम जाना चाहते हैं, आवर होस्ट वुड एंटरटेन अस विद ग्रेट फीस्ट, सर्विंग ब्यूटीफुल डिशेज, हमारे जो मालिक थे वो हमारा एंटरटेनमेंट करते थे, भोजन कराते थे, सुंदर सुंदर डिशेज बनाते थे। डांसर इंटरटेनर्स, डांसर जो है और एक्रोबैट्स क्या होते हैं, जोकर, वो हमें एंटरटेन, मनोरंजन करते थे। इन टाइम, इस समय आई लर्न दैट लोकल डायलैक्ट्स सो वेल, इस समय वहाँ की मैंने लोकल डायलैक्ट्स में स्थानीय भाषा भी सीख ली थी सो वेल, बहुत अच्छी तरह से। दैट आई सर्व अंडर द खान एज द गवर्नर ऑफ प्रोविंस, और मैं अपना काम जो है, अपना शासन स्वयं चलाता था उस समय, कौन, खान।
When I left Europe, जब मैं यूरोप छोड़ा, I was simple merchant and certainly I was too young to have read many books. जब मैंने यूरोप छोड़ा तो मैं एक साधारण व्यापारी था, लेकिन मैं यंग हो चुका था और मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ ली थी. However, I was familiar with the legend about the exotic heat. मैंने वहाँ की लोक कथाओं के बारे में भी पढ़ा था. When I traveled in China, जब मैं चाइना के लिए यात्रा शुरू किया, expected to see many unicorns. मैंने यूनिकॉर्न्स भी देखे थे. ऑन माई वे होम इन जावा, जावा के अंदर आई सा सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स भी देखे थे जो ऐसे लगते थे यूनिकॉर्न्स. यूनिकॉर्न्स का मतलब होता है एक सिंग वाला गेंडा. बिकॉज दे हैड सिंगल हॉर्न ऑन देयर मजल, क्योंकि इनके सिर पर भी एक ही सिंग होते हैं. हाउएवर द ट्रूथ दैट द यूनिकॉर्न्स आई सा वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोस, ये सच है कि यूनिकॉर्न जो होते हैं वो उनसे बिल्कुल अलग होते हैं. आई हैव हर्ड अबाउट, जैसे मैंने सुना था. दे वर नॉट ओनली वाइट बट ब्लैक, वे सफ़ेद नहीं होते किंतु काले होते हैं. दे आर हाइड लाइक बफेलो एंड देयर हूस वर एज बिग एज एलिफेंट फीट, ये बफेलो की तरह लगते हैं लेकिन इनके पैर जो होते हैं हाथी की तरह बड़े बड़े होते हैं. देयर हॉर्न्स टू वर ब्लैक इंस्टेड ऑफ वाइट, उनके जो हॉर्न्स क्या होते हैं सींग, सींग भी का सफ़ेद नहीं होते काले होते हैं. देयर टंग्स वर स्पाइकी एंड देयर हैड लुक लाइक ए वाइल्ड बोर. कैन यू गेस मार्को पोलो साहब, क्या आप सोच सकते हैं क्या वो राइनासोर था? राइनासोर और यूनिकॉर्न्स में थोड़ा फर्क होता है तो भाई, लेकिन फर्क है. व्हेन वी रिटर्न टू वेनिस आफ्टर 17 ईयर्स, जब हम 17 सालों बाद वापस आए, माय फादर एंड आई वाज टेकन टू द वैगाबोंड एंड इम्पोस्टर. वैगाबोंड होता है जिसका कोई घर नहीं होता, जिसको घुमक्कड़ व्यक्ति, आवारा व्यक्ति करते हैं, जिसका कोई घर नहीं है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है. इम्पोस्टर का मतलब होता है बहुरूपिया, जो अनेक रंग बदलता है. एवरीवन थॉट दैट द रियल पोल्स हैड डाइड, सभी ने सोचा था कि पोल्स जो है वो मर गए हैं. समवेयर अबॉर्ड, अबॉर्ड क्या होता है विदेश में. सिंस नो वन हैड हर्ड फ्रॉम अस, किसी ने हमारे बारे में लंबे समय तक नहीं सुना था. इट वाज ओनली व्हेन वी स्लाइस्ड ओपन आवर रैक्स, लेकिन जब हमने अपने पुराने कपड़े निकाले, ज्वेल्स निकाली, तो लोगों को विश्वास हुआ. आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस मैनी ओरिएंटल कस्टम टू यूजर, मैं पहला व्यक्ति था जिसने यूरोप में कुछ कस्टम्स को इंट्रोड्यूस कराया था. आई टोल्ड पीपल ऑफ चाइनीज यूज ऑफ पेपर मनी, मैंने लोगों को पेपर मनी, पैसे के, रुपए के बारे में बताया. विच बोर द सील ऑफ द एम्परर, जिसके ऊपर राजा की सील लगी होती थी. माई कंट्री ट्रेडेड विद वेरी हाई आइकन्स मेड ऑफ कॉपर, गोल्ड और लीड. पेपर मनी वॉज अनहर्ड ऑफ, मेरे जो देशवासी थे, कंट्री मैन कहते हैं, देशवासी थे, व्यापार के लिए सिक्कों का उपयोग करते थे, कॉपर के, सोने के, लेकिन उनको पेपर मनी के बारे में, रुपए के पैसे के बारे में कभी नहीं सुना था. मैनी ऑफ द माई कंट्री इवन ऑफ मेम्बर ऑन फैमिली थॉट माई टेल्स आर मेड ऑफ फैंटेसिटीज, जो कहानियाँ थी वो परियों की जो थी. बट द ट्रूथ इज दैट आई डिड नॉट टेल इवन हाफ ऑफ व्हाट आई सॉ, लेकिन सच्चाई ये थी मैंने उसका आधा भी उन्हें नहीं बताया था जो मैंने देखा था. डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वाइल मॉन्क्स एंड स्क्राइबर्स वर हैंड राइटिंग बुक्स, कि जो मॉन्क्स थे वहाँ पर, पादरी थे और जो लेखक थे, उन्होंने बहुत सी पांडुलिपियाँ अपने हाथों से लिखी थी बुक्स की. यूरोप में द चाइनीज वर प्रिंटिंग देयर, और चाइना के लोगों ने उसे प्रिंट किया था. दैट हैड ए मार्वलस डिवाइस कॉल्ड द प्रिंटिंग प्रेस, ये उनकी शानदार उपलब्धि थी. मार्वलस कहते हैं शानदार उपलब्धि थी प्रिंटिंग प्रेस. एज बुक मेकिंग वॉज सो लेबोरियस इन यूरोप, बुक किताब लिखना जो था यूरोप में बहुत मुश्किल था उस समय, टाइम कंज्यूम करना. द ओनली बुक्स इन सर्कुलेशन वर बाइबल एंड फ्यू बुक्स ऑफ पोएट्री, उस समय बाइबल और कुछ कविताएं की बुक्स थी. लेकिन मेरी बुक द ट्रैवल ऑफ मर्क्यूरी ओनली केम टू बी रिटन बाय एन अमेजिंग कोइंसिडेंस, लेकिन एक ऐसी घटना घटी कि मैंने भी अपनी एक बुक लिखी द ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो. फ्यू ईयर्स आफ्टर आई रिटर्न टू वेनिस, काफ़ी सालों बाद जब मैं अपने वेनिस आया, आई सर्व सोल्जर इन ए वॉर अगेंस्ट जिनेवा, तो मेरे को एक सैनिक के रूप में युद्ध करना पड़ा जिनेवा के लिए. आई वॉज कैप्चर्ड एंड विसल्ड इन जेल, हु शुड आई फाइंड माई सेल्फ शेयरिंग ए सेल विद, मुझे पकड़ लिया गया और वहाँ पर जेल में डाल दिया गया. नो वन अदर कैन द एस्टिमेबल नॉवलिस्ट रस्टिगुलो, इन टाइम रस्टिगुलो बिकेम ए डियर फ्रेंड, वहाँ पर कोई भी नॉवलिस्ट नहीं था, सिर्फ एक रस्टिगुलो था और मैं और वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए. आई डिक्टेटेड माई स्टोरी टू हिम, मैंने अपनी कहानियाँ उसको सुनाई. माई बुक वॉज कॉपीड, मेरी बुक कॉपी की गई एंड ट्रांसलेटेड इन टू मैनी लैंग्वेज, बहुत सी भाषाओं में. ट्रांसलेटेड क्या होता है, अनुवाद करना, लैंग्वेज मैंने भाषाओं में.
एंड सून माई फेम, फेम क्या होता है प्रसिद्धि, स्प्रेड मैंने फैल गई फार एंड वाइड चारों तरफ। तो ये मार्को पोलो ने अपने जीवन की जो कहानी है उसने बताई।